अस्सलाम वालेकुम, नई वीडियो में खुश आमदीद। आज एक चीज़ सीखेंगे कि हमारे पास अगर एयर बैग क्रैश रीसेट करना है, किट उतारने के बाद हमें नहीं पता कि हमारी जो किट के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ है, कहाँ पे आती है, और अगर खुदा नास्ता हमने अक्सर तस्वीरों में दिखाया गया कि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव आता है, लेकिन अगर वहाँ पे लगाएंगे बगैर वेरीफाई किए तो हमारी किट डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो किट को खोलने के बाद वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो आज जो लेक्चर जो जिसकी वीडियो पे बनाने का मकसद है कि हमारी जो कोई भी किट आ जाए हुंडई की किया की, तो उसमें हमने नेगेटिव पॉजिटिव और कैन हाई कैन लो हमने देखने के कहाँ पे वो पिने शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव देखेंगे, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर और ये बड़ा जो एक ट्रांसिस्टर टाइप लगा हुआ है, तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है जी, हमने मल्टीमीटर चाहिए बीप पे करना है। ठीक है जी, और एक प्रोब हमने यहाँ पे रखनी है एक नंबर पिन पे, और यहाँ पे ये, और अगर इसके अपोजिट में रखेंगे कैपेसिटर की, और यहाँ पे ये जो ट्रांसिस्टर है काला, तो ये हम यहाँ पे बीप कर रहे हैं ये वाला। ठीक है जी, तो हमारी ये एक नंबर जो है ना, वो जो आप देख सकते हैं बाईं तरफ लेफ्ट राइट आप कर लें अपने किट को सामने रख के। ठीक है, लेफ्ट वाली साइड में फ्रंट ऊपर वाला जो है ना, अक्सर हुंडई किया में एक नंबर पिन आती है पॉजिटिव एक नंबर। ठीक है जी, अभी ग्राउंड हमने चेक करना है, ग्राउंड का नहीं पता कि ग्राउंड कहाँ पे है। उसके दो तरीका कार है, ये देख लें आप, यहाँ पे छोटे छोटे डॉट भी होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी रख के आप चेक कर सकते हैं, और कैपेसिटर के एक माइनस साइड है, यहाँ से भी रख के आप इस पिन को ट्रेस कर सकते हैं, और यहाँ भी रख के आप पिन को ट्रेस कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले हम कैपेसिटर में आपस में चेक करेंगे कि यहाँ कहाँ पे बोलगी कैपेसिटर के, यहाँ कैपेसिटर पे बोलगी, एक और कैपेसिटर है यहाँ पे, यहाँ रख के इसके अपोसाइड में रखेंगे, तो यहाँ पे भी बात ये बीप दे रही है। ठीक है जी, तो आप यहाँ रख के पिन आउट चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बोल रही है एक दो तीन, फिर एक छोड़ने के बाद फिर एक, ये ग्राउंड है। ठीक है जी, इसी ग्रिप के अंदर हमारी पॉजिटिव है और इसी के अंदर नेगेटिव है, इधर से तीन नंबर एक दो और ये तीन, फिर एक छोड़ने के बाद चार और पांच नंबर। ठीक है, एक दो तीन, एक छोड़ने के बाद फिर आगे ग्राउंड है। अभी इसके बाद हमने देखना है कि हमारा कैन हाई कैन लो कहाँ पे आ रहा है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा है, आपने ये ब्लैक सा फिल्टर देखना है कहाँ पे है, इसकी शक्ल अलग ही एक दूर से नज़र आती है। ठीक है, ये फिल्टर इसके साथ ये और टांग वाला एक लगा होता है आईसी है, और ये पिने इसके अंदर जाती हैं, और इसकी फिल्टर के बाद यहाँ पे आपने पिने चेक करनी है कहाँ पे आ, एक एक रख के ना, यहाँ पे रखने के बाद और यहाँ रखने के बाद आपने यहाँ से बीप करके रखना है, फिर आपका कैन हाई कैन लो आप ढूंढ सकते हैं। चलें तो ढूंढते हैं इसको भी। इस पे ये ऊपर नीचे होंगी, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे भी हो सकती हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, तो हमें ट्रेस हो चुकी है एक पिन, यहां भी बोल रही है
और एक दूसरी चेक करेंगे, ये ऊपर वाली दोनों यहाँ पे बोल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव लगाने के बाद आपने कैन हाई और लो लगाने के बाद आइडेंटिटी करनी है। अगर आइडेंटिटी में उसने नो रिस्पॉन्स किट यानी पार्ट नंबर ना शो, फिर आपने तारें उठा लेनी है। तो ये तरीका कार है हर किट का। ये भी किट एक आइए क्रैश क्लियर के लिए, इसकी आगे एक नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर ये दोनों रीड करके दिखाऊंगा आपको आई प्रो के साथ। पार्ट ये 3 या 4 के अंदर इसको मैं रीड करूंगा। थैंक यू।